नारद जी ने सात भोजन स्वीकार किया कंदमूल फलों को, क्योंकि अन्न का बहुत प्रभाव पड़ता है। बोले जैसा खाए अन्न वैसे बने मन, जैसी पिए पानी वैसे बोले वाणी, जैसे करे संगत वैसी चढ़े रंगत, जैसी करेगा कामना वैसी बनेगी भावना। अब आप भागवत उठा के देख लो, रामचरितमानस उठा के देख लो, भागवत उठा के जब देखोगे, जब भरी सभा में दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींच रहा है और वहां पर भीष्म पितामह भी बैठे हुए हैं, दोनों आचार्य भी बैठे हुए हैं, बड़े बड़े जो है महारथी बैठे हुए हैं, परंतु द्रौपदी को नहीं बचा पाए। बचा पाए चाहते भीष्म पितामह द्रौपदी की साड़ी को कोई खींच सकता था, इतने बड़े महारथी, परंतु नहीं बचा पाए, नहीं कुछ बोले। परंतु द्रौपदी ने परमात्मा को पुकारा और परमात्मा ने उस साड़ी को बढ़ा दिया और द्रौपदी की लज्जा। परंतु महाभारत के प्रसंग में जब धर्मराज युधिष्ठिर को ज्ञान दे रहे थे, उसी समय द्रौपदी हंस पड़ी। द्रौपदी हंस पड़ी, क्यों द्रौपदी हंस पड़ी? बोले पितामह, जब भरी सभा में दुशासन मेरी साड़ी को खींच रहा था, उस समय आप कहां थे? बोले बेटी, उस समय में दुराचारी दुर्योधन का अन्न खाता था, जिससे मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी और मैं तेरी रक्षा करने में असमर्थ हो गया, क्योंकि मेरी बुद्धि भ्रष्ट है। जब बुद्धि भ्रष्ट है तो मैं वही कार्य करूंगा, अच्छा कार्य थोड़ी करूंगा। मुझे एक दृष्टांत मिला महाभारत में, बहुत अच्छा दृष्टांत है। बोले राजा सिबी के राज्य में एक परमहंस रहते थे, परमहंस। तो राजा सिबी परमहंस को नित्य भोजन खिलाते थे, नित्य। एक दिन क्या हुआ कि राजा सिबी के राज्य में एक ब्राह्मण कुछ सोना लेकर के अपने बेटी के गहने बनाने के लिए दिया सुनार को। तो सुनार ने क्या किया कि अच्छा असली सोना तो रख लिया और भीतर सोने के गहने बना करके दे दिए। और बेटी, बाप ने बेटी को दिया, बेटी पहन के ससुराल गई, पति ने देखा ये तो पीतल के गहने। बोले ओ राजा सिबी के राज्य का सुनार, उसके मन में ऐसी भावना कि असली सोना रख लिया और नकली सोने के गहने बना के दे दिया। तुरंत राजा श्री के पास पहुंचे, राजा श्री के पास पहुंचे और पहुंच करके बताया, महाराज आपकी राज्य में ऐसे ऐसे सोने का नहीं, मेरा असली सोना तो रख लिया, नकली सोने के गहने बना के दे दिया। जो है तुरंत मंत्रियों को भेजा और बोले उसको सुनार को पकड़ करके लाया जाए और जितना धन है उसका सब राज कोष में, तो आटा भी आया, दान भी आया, चावल भी आया, सब पूर्ण खाने का सामान भी जो रख दिया गया। तो मंत्रियों ने देखा वो ये आटा तो काफी दिन का हो गया, ये रखते खराब हो जाएगा, इसलिए ऐसा क्यों न किया जाए, इसी का भोजन आज बने। अब सुनार का भोजन बनाया गया, उनको जब भोजन खिलाया गया तो परमहंस की बुद्धि भ्रष्ट हुई, महात्मा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और रानी का टका हुआ हार, रानी का हार टका हुआ था, तुरंत परमहंस जी ने निकाला और अपनी झोली में डाल करके नौदेव्य आ रहे होंगे। कितना बड़ा अन्न का थे लेकर के, जब नौ दो ग्यारह हो गए, दो तीन दिन तक भोजन मिला नहीं, उस अन्न का रस खत्म हो गया। तुरंत वो, मैंने तो बहुत बड़ा अपराध किया, जो राजा से भी मुझको नित्य भोजन खिलाते थे, मैं उनके यहाँ जो है ये सोने का हार लेकर के चला आया और कहूंगा ये मेरे हाथ दोनों कटवा दिए जाए। और तुरंत राजा परमहंस जी गए और जो राजा सिबी को हार दे दिया। लो महाराज, हार तुमने गए थे? बोले हाँ मैं ले गया था हार। बोले आप मेरे हाथ कटवा दो, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, पर तुम जरा ये जरूर पता लगाना कि उस दिन जो भोजन बना था वो किसका भोजन था। पता लगाया गया कि वो सुनार के यहां का जो आया था वही भोजन बना।
बोले इसीलिए जो है परमहंस की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और रानी का धंधा हुआ हार चुरा। इसी प्रकार जो है ना भीष्म पिता बन गए थे, मैं दुराचारी जो है द्रोधन का अन्न खाता था जिससे मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और मैं द्रौपदी के लिए अच्छा। तो अन्न का कितना तो सात्विक भोजन किसको अच्छा लगता है, राजसी भोजन किसको अच्छा लगता है और तामसी भोजन किसको अच्छा लगता है, अपने मन में विचार लेना कौन भोजन। सात्विक भोजन करोगे तो परमात्मा में मन लगेगा, भगवान की भक्ति में मन लगेगा, शुद्ध सात्विक भोजन। आज भरत जी वही सात्विक कंद मूल फल भोजन स्वीकार करें, बोलो भक्तवत्सल भगवान की।